जय जगन्नाथ। चाइनीज बेसिकली ब्लूमिंग फ्लावर खिलता हुआ पुष्प है, फ्रेश फ्रॉम द डिवाइन बर्थ, प्रभु जगन्नाथ से सीधा सीधा धरती पर आता है। सॉफ्ट है, सफल है, स्वीट एंड स्माइलिंग टेंडरनेस ऑफ द इननेट डिवाइन, उसकी मुस्कान लॉर्ड कृष्णा की तरह, जगन्नाथ की तरह, एंड स्पार्कल इन द आईज इज दैट ऑफ अगेन लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ, उसकी आंखों की चमक भी प्रभु जगन्नाथ की। पुष्प की बहुत बड़ी खासियत होती है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं, रिचुअल्स नहीं, डोगमास नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, कास्ट भी नहीं, क्रीड भी नहीं, कलर भी नहीं, कनिंगनेस भी नहीं, क्लेवरनेस भी नहीं, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं, करप्शन भी नहीं। इट एमिट्स फ्रेग्रेंस टू द डव्स, डायनासोर्स, ड्रैगन्स, हर एक को खुशबू प्रदान करता है। शिव पर चढ़ा दीजिए, शव पर चढ़ा दीजिए, प्रेयसी के कुंतलों में गूंथ दीजिए, या फिर शहीद जहां से जाता हो उनके पचन्नों में रख दीजिए। सो दैट इज व्हाट ए चाइल्ड इज, यू सी, एंड देयरफॉर इट इज सेड बाय द स्क्रिप्चर्स, बाय द सेजेस, द सीयर्स एंड द सेंट्स, बोलते हैं दुनिया के लोग, जितने सब फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल टीचर्स, वन चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड कैन चेंज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, एक बच्चा पूरे विश्व की मानवता का चित्र बदल सकता है। यम ने बदला, नचिकेता के पास जाए, प्रहलाद ने बदला, ध्रुव ने बदला, हनुमान ने बदला, दैट दिस फंक्शन परहैप्स सिग्निफाइज लाइक दैट। और जहां तक काइट का संबंध है तो सीधा सीधा बात है, अभी हमको बता रहे थे सुभाष जी, हमको बता रहे थे कलेक्टर और कमिश्नर, ये ग्रीनरी और व्हाइट दोनों को डिटेक्ट करता है, ये हरे रंग का और व्हाइट रंग का जो काइट है। पर हम ये समझते हैं कि काइट का मतलब है कि कितनी भी उड़ान आप, मैं तो सोचता हूँ कठपुतलियां हैं, धागे किसी और के हाथ में, जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं, और दैट इज व्हाट द काइट इज। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप सबने पढ़ा हो तो, उन्होंने 8-9 साल की उम्र में एक कविता लिखा है पतंग, कविता का नाम ही पतंग, एंड इट्स अ पोएम विद अ वेरी डीप थॉट, यू सी। मुझे भी समझ में नहीं आता, आपको आ सकता है, क्यों? क्योंकि आप प्रभु जगन्नाथ के बालक हैं, मैं बालक बनने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्रभु जगन्नाथ का बालक समझ सकता है। मैं और तो क्या कह सकता हूँ, शुभेच्छा अभिनंदन जनाब जी, आप सभी के जो भी संकल्प हैं, बिना कहे, बिना प्रार्थना कहे, बस सब प्रभु जगन्नाथ की कृपा से, आदिशक्ति की कृपा से पूरे हों। इसी के साथ आप सबको प्रणाम कर आपका आशीर्वाद की याचना करता हूँ। वंदे उत्कल जन्म।